हाँ, डांस मतलब बहुत जैसे हमने नजबलिया से शुरुआत की थी तभी तो हालत ख़राब थी, लेकिन अभी इतने सालों बाद तो यू लर्न, यू पिक अप सो मेनी थिंग्स। तो अभी तो आई एम मच मोर कम्फर्टेबल। तो या कोई प्रोजेक्ट मन से अच्छा लगता है तो ही मैं हाँ बोलती हूँ, और बाकी सारी चीज़ें भी वर्कआउट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता ना कि दी गई, आई हैव out of 10 projects, so I don't say yes to everything. I also have to like, everything has to work out. Hi, मैं हूँ गौरी प्रधान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन और आज हमारे साथ गौरी प्रधान जी है। मैम वेलकम, बॉलीवुड हेल्पलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो मैम बताइए, आपकी अब नई फिल्म आ रही है तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नई फिल्म बहुत एक्साइटमेंट है। एक तो नई फिल्म इज़ अबाउट इट्स अ मैच्योर लव स्टोरी। सो बॉय एंड गर्ल आर इन लव बट ड्यू टू सर्कमस्टांसेस दे डोंट एंड अप गेटिंग मैरिड और बीइंग टुगेदर। फिर बहुत सालों के बाद अचानक एक दूसरे से मिलते हैं और उसके बाद क्या होता है, द स्टोरी इज़ ऑल अबाउट दैट। सो मैम बताइए, इसकी शूटिंग पूरी शिमला में की गई है, तो मतलब शिमला एक बहुत सुंदर जगह है, तो आपको कैसा लगा वहाँ पे शूटिंग करते समय? बहुत मज़ा आया शिमला में शूटिंग करते हुए। ठंडी थी, स्नो भी गिर रहा था, तो इट वाज लवली शूटिंग। जबकि मुझे बहुत बाहर जाने का मौका नहीं मिला बिकॉज़ मैं हर रोज़ शूटिंग कर रही थी, लेकिन जब भी मौका मिलता था तो मैं उसे छोड़ती नहीं थी, और इट वाज ग्रेट शूटिंग इन शिमला। मैम आप मतलब अपना सब घर संसार के साथ में शूटिंग भी करना, तो आपको कह सकते हैं मतलब ये दोनों लाइफ में आपको कैसे आप मैनेज करते हो और क्या आपके इसको लेके कहना है? शिमला स्पेशली वाज वेरी टफ फॉर मी, क्योंकि अगर दूसरी शूट होती है तो आप सुबह निकलते हो, वो भी कोऑर्डिनेट करना, बच्चों का स्कूल टाइमिंग, बाकी चीज़ें घर के लिए, डॉग्स, हस्बैंड, एवरीथिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बट फिर भी आप सिटी में होते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई वॉज अवे ऑलमोस्ट फॉर अ मंथ फ्रॉम माई किड्स फैमिली। तो उसमें जाने से पहले बहुत सारी एंग्जाइटी थी कि होगा सब कुछ टाइम पे या ठीक होगा कि नहीं, मैं नहीं हूँ पहली बार, बट एवरीथिंग वर्कड आउट वेल एंड वंस आई वाज देयर आई वाज फाइन एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम। ओके, तो मैम आप फिल्म की स्टोरी को लेकर क्या कहना चाहेंगे, मतलब कि जो लव स्टोरी इसमें दिखाई गई उसको पूरे तरीके से आप मतलब क्या बताना चाहेंगे? जैसे कि मैंने पहले कहा, इट्स अ लव स्टोरी, लड़का लड़की प्यार करते हैं, बट बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर द गर्ल दे कुडंट गेट मैरिड टू ईच अदर, और बहुत साल के बाद अचानक वो शिमला में मिलते हैं और उसके बाद अपनी अपनी ज़िंदगी, उन्होंने आधी ज़िंदगी जी ली है, उनके बच्चे हैं, उसके बाद वो अपनी लाइफ को कैसे आगे जीते हैं, स्टोरी इज़ ऑल अबाउट दैट। मैम एंड कैरेक्टर को देखने के बाद आपको किस तरीके के रिप्लाईज है आपके फैमिली से, आपके फैन से? एवरीबडी वॉज रियली एक्साइटेड, और हमने काफ़ी जाने से पहले शूटिंग पे जाने से पहले हमने सब ने मिलकर, सारी स्टाफ कास्ट ने, डायरेक्टर ने मिलकर बहुत सारी तैयारी भी की थी ऑनलाइन। जब एक साल पहले शूटिंग की थी तो कोविड का टाइम था, तो ऑनलाइन वी यूज टू रियली रिहर्स एंड प्रैक्टिस विथ ईच अदर, तो इसीलिए शूटिंग के टाइम पे किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। एंड मैम अभी ये बताइए कि आपको जब ये फिल्म दी गई तो आपका फर्स्ट इसको लेकर क्या रिएक्शन था, आपने किस तरीके से स्क्रिप्ट पढ़ा और आपका फिर आगे क्या प्लानिंग हुई? ऐसा नहीं होता ना कि दी गई, आई हैव आउट ऑफ 10 प्रोजेक्ट्स तो आई डोंट से येस टू एवरीथिंग, आई ऑल्सो हैव टू लाइक, एवरीथिंग हैज़ टू वर्क आउट। तो जब योगेश जी का फ़ोन आया तो मैंने एक्चुअली नहीं सोचा था कि मैं हाँ बोलूँगी, क्योंकि लोग बहुत फ़ोन करते हैं, राइट, न्यू पीपल, देयर आर सो मेनी न्यू पीपल, दे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, दे कीप कॉलिंग। तो मैंने जिन्होंने मुझे बोला था कि ऐसा है कोई प्रोजेक्ट तो आपको डायरेक्टर फ़ोन करेंगे, मैंने बोला था हाँ, लेकिन बहुत हाफ हार्टेडली बोला था। सो व्हेन ही एक्चुअली कॉल्ड एंड देन आई स्पोक टू हिम, आई वाज प्रीटी इम्प्रेस्ड, दो ही दिस वाज हिज फर्स्ट प्रोजेक्ट बट ही हैड एवरीथिंग सॉर्टेड इन हिज हेड, और उन्होंने स्टोरी लाइन बताई, कैरेक्टर बताया, तो आई वाज रियली इम्प्रेस्ड एंड इन द फर्स्ट फ़ोन कॉल ओनली आई सेड यस टू द फिल्म। मैम जब शूटिंग कंप्लीट हो गई तो आपको क्या लगा, अब मुझे और भी आगे कंटिन्यू प्रोजेक्ट्स करना, और आप कौन से प्रोजेक्ट्स में अब आपको नजर आएंगे? लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर इन द पाइपलाइन, फिंगर्स क्रॉस्ड, होपफुली दे विल वर्क आउट। सो राइट नाउ आई कांट टॉक अबाउट देम, बट इट्स नॉट दैट आई एवर स्टॉप वर्किंग। लेकिन अगर मुझे कोई स्क्रिप्ट या कोई प्रोजेक्ट मन से अच्छा लगता है तो ही मैं हाँ बोलती हूँ, और बाकी सारी चीज़ें भी वर्कआउट होनी चाहिए, तो आई एम श्योर नाउ। मैम, बीइंग एन एक्टर आपको क्या लगता है जो हमारी टीवी इंडस्ट्री इसके अंदर आप क्या मतलब चेंजेस देखना चाहेंगे? आपको कुछ लगता है ऐसा पर्सनली कोई चेंज आना चाहिए? आई थिंक टीवी इंडस्ट्री को थोड़ा और प्रोफेशनल होना चाहिए। बहुत कुछ बदला नहीं है, मुझे पता है क्योंकि माई हस्बैंड स्टिल वर्किंग ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो काफ़ी कुछ बदला है नहीं। काफ़ी सारे चेंजेस आने ज़रूरी है, जैसे कि टाइम के हिसाब से, पंक्चुअलिटी के हिसाब से, प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से, लेकिन आई थिंक उसको when it comes to OTT, I think they are little more organized. But television का क्या होता है कि you can't even really blame them क्योंकि हर दिन एपिसोड जाना पड़ता है। तो आप कितना भी प्लान कर लो, कितना भी कुछ कर लो, तो वो पूरा प्लान करना 100% इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो बट जितना हो सके उनको फिर भी ऑर्गेनाइज होना चाहिए, तो आई होप दैट हैपन्स। मैम, अभी रिसेंट में आप भी बताइए जो आपका फिल्म का सॉन्ग है जो भी इतना अच्छा मतलब हमने ट्रेलर में सुना है, तो आपको लगता है सॉन्ग आगे तक किस तरीके से जाने वाले आफ्टर रिलीज? आई थिंक बहुत आगे जाएगा सॉन्ग, तो डेफिनेटली आगे जाएगा, बिकॉज दैट्स आई पर्सनली रियली लाइक द सॉन्ग। और मैं पहले बोल रही थी कि जो जैसे उसको पिक्चराइज किया है बैकग्राउंड में चल रहा है, और मैं जो घर में एक एक लाइट बंद कर रही हूँ और यू नो आई एम रियली सैड, तो आई रियली लाइक दैट होल सीन एंड द सॉन्ग प्लेइंग इन द बैकग्राउंड। तो मैम, आपको भी कहीं ना कहीं थोड़ी सिंगिंग में इंटरेस्ट वगैरह है? ऐसा कुछ नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। आई विश दैट आई कुड सिंग बट सॉरी, नो चांस। तो मैम, अगर आपको किसी फिल्म में मौका मिला गाना गाने का तो आप कभी नहीं, कोई देगा ही नहीं मौका कभी। एंड मैम, फिर डांस को लेकर आपका क्या मतलब? हाँ, डांस मतलब बहुत, जैसे हमने नजबलिया से शुरुआत की थी तभी तो हालत ख़राब थी, लेकिन अभी इतने सालों बाद तो यू लर्न, यू पिक अप सो मेनी थिंग्स। तो अभी तो आई एम मच मोर कम्फर्टेबल। We do a lot of shows also, Hiten and I. So I'm fine now. And my son is a excellent dancer, great. So I'm very happy about that. So जैसे आपने बोला कि वो excellent dancer है, तो आपने कभी उससे कुछ सीखा है कि आपने उससे बहुत कुछ सीखा? नहीं, मैं ही उससे सीखती रहती हूँ डांस के बारे में। मैंने कुछ इसको नहीं सिखाया है। He is really good. तो I'm very happy about that fact that though Hiten and I are not great dancers, we do a good job now, decent job. बट ही इज़ रियली गुड। मैम, मुझे बताइए कि पर्सनली जाना था आपसे कि जैसे आफ्टर शूटिंग जब आप लोग घर जाते हैं तो आपको क्या मतलब, आपको घर जाने के बाद आपको सब चीज़ों को समय देना पड़ता है और आप इतना मतलब पूरा बिजी शेड्यूल कंप्लीट करके आए हैं, तो वो एक लाइफ जो तुरंत चेंज हो जाती है, तो उस लाइफ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक सिर्फ शूटिंग में ही नहीं होता है, हर चीज़ में होता है। अगर आप काम कर रहे हो किसी भी तरह का, तो स्पेशली फॉर अ लेडी सब चीज़ों को डिवाइड करके टाइम देना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। किड्स, आई हैव डॉग्स, आई डू अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन माई ओन, आई हैव अ बिजनेस, आई टीच अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई टेक क्लासेस। सो अगर उसमें अगर शूटिंग शुरू हो जाए तो मतलब आई नीड लाइक 40 hours इन अ डे। मतलब आपको 12 hours जो है वो थोड़े घड़ी बढ़ जाए, शूटिंग हो गई तो बहुत ज़्यादा कम पड़ेंगे, देन आई कांट स्लीप ओनली। तो मैम, अब हमारे फैंस जो आपकी फिल्म देखने वाले और जिन्होंने ट्रेलर देखा है उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि फिल्म ज़रूर देखिए, आपको पसंद आएगी। थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी हटके है, इसमें सारे फ्लेवर्स है, जैसे कि रोमांस तो ऑब्वियसली है, सस्पेंस है, थोड़ा थ्रिलिंग है। इट्स वेरी ब्यूटिफुल बिकॉज इट्स शॉट इन शिमला, सो प्लीज़ वॉच इट एंड एन्जॉय इट। तो हमने गौरी मैम से बहुत सारी बातें की और बहुत कुछ जाना इस फिल्म के बारे में, तो आप लोग भी ज़रूर जाइए और इस फिल्म को देखिए। थैंक यू सो मच। मैं आयुष तिवारी और आप देख रहे थे बॉलीवुड हेल्पलाइन।